नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपमा सिंह। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में छात्राओं के आत्मरक्षा हेतु मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने की। मुख्य अतिथि अजीत श्रीवास्तव ने कमांडो एकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स की संस्थापना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समाज में महिलाएं नारी शक्ति का प्रतिबोधन करती हैं और यदि महिलाएं ही कमजोर होंगी तो पूरा समाज कमजोर होगा। क्या? मार्शल आर्ट का कार्यक्रम है, इसमें हम लोग छात्राओं को आत्मनिर्भर हर तरह से, जिससे शारीरिक दृष्टि से वो आत्मरक्षा कर सकें, मानसिक, सामाजिक और सबसे बड़ा है कि स्वाभिमान पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण विगत कई वर्षों से काशी विद्यापीठ जो है वो चला रहा है। आर्य महिला नागरमल मुरार का मॉडल स्कूल एवं महानगर उद्योग व्यापार समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ काशी पॉलिथिन मुक्त काशी का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि वाराणसी के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह रहे। परमेश्वर को साक्षी मानते हुए यह संकल्प लेते हैं कि स्वच्छ काशी और फिर मुक्त काशी के लिए हम सब संकल्प लेते हैं कि हम स्वयं न तो पॉलिथीन का उपयोग करेंगे और नहीं किसी परिस्थिति और दिन का जो करने देंगे। The form chemistry you have studied in your class 9th and 10th, सब जानते हैं कि पॉलिथीन क्या है और सबको समझ है कि पॉलिथीन की क्या इम्पैक्ट, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे घर पे, हमारे जीवन में आ रहा है। तो आज के दिन हम आप लोगों को ये कहने नहीं आ रहे हैं कि आप पॉलिथीन का प्रयोग न करो या पॉलिथीन के प्रयोग करने से ये नुकसान है, बल्कि हम इसलिए आए क्योंकि हमें आप पर भरोसा है कि आप ही वो एजेंट हो, वो एम्बेसडर हो जो इस समाज में इस विषय पर एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और कोई कारण नहीं आप लोग कम है। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारतीय रेल के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट बिना खाना खाए मंगलवार की सुबह 9 बजे से गाड़ी का संचालन कर रहे हैं। बुधवार को उनके उपवास का दूसरा दिन रहा। रनिंग रूमों और ट्रेनिंग सेंटर में भी रनिंग स्टाफ खाना नहीं बना रहे। वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लोको लॉबी के समक्ष सैकड़ों रनिंग स्टाफ भूखे रहकर धरने पर बैठे हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि निर्धारित किलोमीटर के फॉर्मूला के अनुसार किलोमीटर अलाउंस शीघ्र निर्धारित किया जाए और पूर्व में रिटायर हुए रनिंग कर्मचारियों के वेतन के भी संगतियों में शीघ्र सुधार किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों के सभी भत्ते डिसाइड हो चुके हैं। रनिंग स्टाफ के किलोमीटर अलाउंसेस के रेट नहीं डिसाइड हुए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो रनिंग स्टाफ थे हुए उनके पेंशन का निर्धारण भी सही ढंग से नहीं किया है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आज के हंगर फास्ट के दौरान ही हमारे किलोमीटर के रेट्स को डिसाइड कर दिया जाए, अन्यथा आने वाले समय में हम रेल परिचालन को ठप कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।